अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, तुम्हें पूरा यकीन है कि आरती बड़े पापा के पीछे गई है? हाँ सुमन जी, हमें तो यही लगता है। अगर वो उनके पीछे गई होगी ना, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कल रात हमला हम पे किसने करवाया था। चलिए अजीब सी जगह पर आरती को किसने बुलाया होगा? क्या पता, चलिए चलकर देखते हैं। पापा, हमें बिल्कुल सच सच बताइएगा, कल जो रात सुमन पे हमला हुआ था वो आपने किया था? पापा हमें बताइए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? पापा, आपकी चुप्पी से हमें यही लग रहा है वो हमला आपने ही किया था। जब कल रात आप हमारे कमरे में आए खिड़की के साइड से, तब आप हमला करके आ रहे थे ना सुमन पर? हमें तुम सही कह रही थी सुमन, बड़े पापा घर पर ही छुपे हुए और तुम पर हमला भी उन्होंने करवाया था। अंशुमन जी, जल्दबाजी में काम मत लीजिए, इन्हें खुद पूरी सच्चाई बता दीजिए और आरती दीदी को भी सुन लेने दीजिए कि सच क्या है। मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ और तुम्हारे ठीक आने के पहले तुम्हारा बाप मुझे छोड़ के भाग गया। इसका मतलब बड़े पापा फिर से भाग निकले? हेलो। हाँ हाँ बिटिया, कहाँ पे हैं आप? पापा बिटिया, वो माया के गुंडे लोग हमारे पीछे पड़ गए थे ना, तो हमें भागना पड़ा। क्या करते हम? पापा, सुमन के ऊपर हमला आपने ही कराया था। नहीं 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 बिटिया, कैसे बात कर रही हो, हमारा विश्वास करो। हम सुमन बहुरिया पे काहे हमला करेंगे भाई? तुम जल्दी से घर आ जाओ, कब आ रही हो घर पे? हम बैठ के समझाएंगे ना सारी बात तुम्हें। आप चिंता मत कीजिए, हम बस जल्दी से घर पर आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ घर पे। इसका मतलब बड़े पापा इस वक्त घर पे हैं। हम चलते हैं और उन्हें वहीं धर से पूछते हैं। चलिए। मतलब 3 दिन से बड़े पापा हमारे घर में छुपे हुए हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है सुमन? अंशुमन भैया, ये सौरभ जी के बुआ जी हैं। अरे बुआ जी, अभी तो आप आई है, 2-4 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद चले जाइएगा ना। अंशुमन जी, हमें पता है बड़े पापा किस रूप में हमारे घर में छुपे हुए हैं और उनका पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास एक प्लान है। सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अंशुमन जी, ट्रस्ट में, हमें कुछ नहीं होगा। सुमन, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे और बड़े पापा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें ये करना ही होगा, ये खतरा तो उठाना ही होगा। अरे अच्छा हुआ आप सब आ गए, सवा मन का प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर भी जाना है, देर हो रही है और वहाँ काफी चढ़ाई भी है, तो मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। बेटा अंशुमन, चढ़ावे का प्रसाद रखवा दिया ना गाड़ी में? जी पापा, चलिए जल्दी अब सब चलते हैं। अंशुमन जी, 1 मिनट। क्या हुआ सुमन? अंशुमन जी, हमारा पेट बहुत दुख रहा है, मरोड़ आ रही है पेट में। एक काम कीजिए, आप लोग मंदिर जाइए, हम यही घर पर रुक जाते हैं। सुमन, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? मैं भी रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अंशुमन जी। नहीं अंशुमन, तुम रुक जाओ, हम यहाँ रुकते हैं सुमन के साथ। नहीं सर भीमा, आपने तो मन्नत मांगी, आपका जाना बहुत जरूरी है। सुमन, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे बेटा? अरे आप सब क्यों बहस कर रहे हैं, आप लोग जाइए, हम यहाँ पर है ना, हम वैसे भी जा नहीं पाएंगे, काफी दिनों से हमारे घुटने में दर्द है, तो पता नहीं घाटी चढ़ भी पाएंगे कि नहीं। हम सुमन भौरिया का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप लोग जाइए ना। ठीक है बुआ जी। अंशुमन जी,
आप और सुरभिमा निश्चिंत होकर जाइए, बुआ जी हमें संभाल लेंगे। आप सुनो, अपना ध्यान रखना और कुछ भी हो मुझे फोन करना, ठीक है? चलिए चलिए। हाँ हाँ, जाइए जाइए आप। चलो अच्छे से दर्शन करिएगा, जल्दबाजी ना दिखाइएगा। सुमन बहुरिया, तुम यहाँ बैठ के आराम करो, हम तुम्हारे लिए स्पेशल काढ़ा बना के लाती हैं, ठीक है? बुआ जी जल्दी। हाँ बेटा, लाई लाई, लो पी लो जल्दी से, देखो पीते ही ठीक हो जाओगी। थैंक यू सो मच बुआ जी, आप सच में बहुत स्वीट हैं, इतने जल्दी इतना अच्छा काढ़ा बना दिया आपने। आप खड़ी क्यों, आइए ना बैठ जाइए। बैठती है। अरे आप नीचे क्यों बैठेंगे, यहाँ ऊपर ही बैठ जाइए। नहीं नहीं यहाँ ठीक, हम गांव में भी नीचे ही बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम वैसे बुआ जी, आपको किसी ने बड़े पापा के बारे में कुछ बताया है? आप बड़े पापा को जानती हैं? सुमन बहुरिया, वो आरती बहुरिया के मुंह से एक बार सुना था, वैसे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, वैसे आपको किसी ने ये बताया कि उन्होंने हमारे माँ पापा की हत्या कितनी बेरहमी से की थी? बताया आपको, जानबूझकर उनको गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। हमें तो कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता चली है, वो क्या है ना? हमें ये पता है, हमारे माँ बाबा के कातिल जिंदा हैं। और एक और बात पता चली कि वो इस वक्त हमारे घर में ही छुपे हुए हैं। और तो और, वो इस वक्त हमारे आंखों के सामने बैठे हैं। अच्छा, तो तुझे सब सच पता है। अब सच तुझे पता चल ही चुका है तो तुझे मारना तो और भी आसान हो गया रे सुमन बहुरिया। हम समझ सकते हैं, आपके लिए तो बहुत आसान है ना किसी की हत्या करना। जितने बेरहमी से आपने हमारे माँ बाबा को कुचला था, नहीं बेरहमी से आज हमें भी मार दीजिए। ये तो वक्त ही बताएगा रे सुमनिया कि कौन बचेगा और आज कौन मरेगा। आज तो तू गई काम से सुमनिया। बड़े पापा रुक जाइए। आज तो तू गई काम से, तेरा काम खत्म। बेकार गया,
अंशुमन जी ने पहले से ही हमें ये पहना दिया था ताकि हमें चोट ना लगे। हम तो बच गए लेकिन अब आप कैसे बचेंगे परे पापा? सुमन दीदी ने चीटिंग की। आपको तो मरना था ना, आपको लेटना था। आप खड़ी क्यों हो गई? आपको तो मरना था। दीदी ने चीटिंग की, मैंने पकड़ लिया। अब ऐसे कुछ चोर पुलिस का खेल थोड़ी ना होता है। मैंने पहले ही कहा था ना आपको, आपको मर जाना है, जोर से ऐसे मर जाना है, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन आपने नहीं किया। आपको पता कैसे लेटना है? हम बताते हैं आपको कैसे लेटना। देखो ऐसे ना, ऐसे करके ऐसे मरना था, लेकिन आप तो खड़े ही हो गए। आपको आपने चीटिंग, आरती दीदी सुमन दीदी को समझाओ ना, ना हमारे साथ चीटिंग की है सुमन दीदी ने। उनको पिटी भी करो, मैं भी छुट्टी हूँ आपसे। आपने चीटिंग की ना। अरे बंद कीजिए अपना नाटक। पूरे परिवार के आते ही अपना रूप बदल लिया आपने, लेकिन अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। अब आपका खेल खत्म हो गया है बड़े पापा। सुमन, पापा कोई एक्टिंग नहीं कर रहे। एक्चुअली ये इनकी बीमारी है, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। कभी ज्यादा ये दुख या टेंशन में आ जाते तो इनको दौड़ा पड़ जाता है। कभी कभी सुमन ये बच्चे की तरह करने लगते हैं। हमने देखा है, हमारी बातों पे यकीन करो। बेटा आरती, ये सब क्या है बेटा? तुम्हें पता था कि मधु भैया इस भेस में यहाँ घर में है और तुमने किसी को नहीं बताया? दीदी, आपके हाव भाव देख के भी लग रहा है जैसे आपको पता था कि भाई साहब यहाँ बुआ बन के रह रहे हैं और आपने भी किसी को नहीं बताया। क्यों? बता देते तो तुम्हारी सुमनिया साहब जी को जेल नहीं भेज देती। बड़ी माँ, जेल तो ये आप भी जाएंगे। मत बना लिया सबको बेवकूफ, अब इनका खेल खत्म। सुमन बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने सुमन को मारने की कोशिश की और अब पकड़े जाने पर नाटक कर रहे हैं। अंशुमन भैया, हम भी सुमन की बातों में आ गए। इनकी हालत तो देखिए, इनका हालत क्या हो रखा है। और आप दीदी, जब ये बुआ जी के भेस में थे तब तो इनको दौरे नहीं पड़ते थे, फिर अचानक कैसे हो गया? ये नाटक कर रहे हैं, नाटक आप समझ क्यों नहीं रही है? सुमन, इन्हें दौरे पहले भी आते, वो अलग बात है कि तुमने कभी इन्हें देखा नहीं। हमारी बातों पर यकीन नहीं होता ना तो तुम खुद दादाजी से पूछ लो। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं होता, ये देखो, अब यकीन आया तुम्हें? किसको सबूत दिखा रही है रे? इस समय अगर विधाता भी धरती पे आ जाए और साहब जी की मासूमियत का सबूत दिखाए ना इस सुमनिया को, तो भी ये नहीं मानेगी, विश्वास नहीं करेगी विधाता पर भी। अरे ना, इस घर को बर्बाद करना ही तो चाहती है, हमेशा यही चाहती रही है। तो कर रही है वही काम। पहले हमारे छुटके बहुआ हमारे नंदन को भिजवा दिया ना जेल, अब पड़ गई है हमारे साहब जी के पीछे। बड़ी मई, आप क्या बोल रही है? आपने नहीं देखा, इन्होंने हम पर चाकू से हमला किया है। तुम्हें तो भड़काई होगी, तुमको जानते नहीं है क्या हम? पर पड़ गया बेचारे को दौरा। देखो क्या हालत बना दी है इनकी, देखिए ना बाबूजी। दादाजी, पापा, इनका सच सामने आ चुका है और हम सबने देखा है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। सुमन दीदी, आप गुस्से में मुंह लाल क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? चोर पुलिस खेले ना, चलो खेलते हैं। क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटिए, आप छोड़िए सुमन को, पीछे हटिए।
आप हटिए, आप अच्छे अंकल नहीं है, आप अच्छे अंकल नहीं है। हमें सुमन निधि के साथ खेलना है, आप अच्छे अंकल नहीं है, आप दूर होते। हमें चोर पुलिस का खेल खेलना है आपके साथ, हमें चोर पुलिस का खेल खेलेंगे। हमारा हाथ छोड़िए। ठीक है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज मत होइए। आप क्या कीजिए, आप पुलिस बन जाइए और हम चोर बन जाते हैं, ठीक है? आप गुस्सा मत होना, आप हमें ऐसे ऐसा करके मारना। प्लीज शांत हो जाइए, ये समय नहीं है सारी बातें करने का। इस वक्त हमें बड़े पापा की जान बचानी होगी। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। नहीं अंशुमन जी, हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो जाएगी, इनका इलाज हमें यही करना होगा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? हम तुमको है ना नाखून भी नहीं लगाया देंगे, तुम पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। भाभी ये क्या कह रहे हैं आप? हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? भाई साहब की हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। सुमन को अपना काम करने दीजिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम आपसे। अरे अनाथ तो तब होगा देवर जी जब ये लड़की उनको हाथ लगाएगी, आप पूछते क्यों नहीं है? इसका तो परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी माँ प्लीज वक्त की नजाकत को समझिए, अगर हमने टाइम वेस्ट किया ना तो इनकी हालत और खराब हो सकती है। अगर इनकी जान बचानी है तो हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अंशुमन जी प्लीज सबको लेकर बाहर जाइए, हमें इनका इलाज करना है। कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी माँ प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। आपकी जान जा सकती है, इनको बचाने लेकर जाइए। मेरे ऊपर भरोसा है ना, पापा ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अरे मत बंद कर दरवाजा खोलो, अरे मत बंद करो, क्या कर रही हो? हम तुम्हारे भरोसे साहब जी को नहीं छोड़ देते, तुम मार डालोगे उनको, तुम मार डालोगे। खोलो दरवाजा। काना जी क्या हो गया है हमारे परिवार को? हमारे परिवार की रक्षा कीजिए काना जी, रक्षा कीजिए। काना जी इतने समय बाद हम अपने पिता से मिले, हमारे पिता को इतने जल्दी हमसे मत छीन लिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए काना जी, किसी भी तरीके प्लीज उन्हें बचा ले, हम नहीं रह पाएंगे। आरती बेटा सब ठीक हो जाएगा, काना जी पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। छोटी माँ हमें काना जी पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन सुमन की अच्छाई की लाज रखना भगवान। मैंने तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इनकी तो पल्स रेट गिरती जा रही है, हमें इन्हें सीपीआर देना होगा। अब सामान नहीं होता, हमसे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुमन।
और मुझे बताओ कि बड़े पापा कैसे हैं। सुमन तुम्हें सुना नहीं, दरवाजा खोलने बोला। मारती मारती अब आपके पति खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकती हैं। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर सर, मेरे पास आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। जी वो ये क्या करने जा रही थी तुम नंदिनी? तुमने मुझे रोक क्यों दिया सुमन? तुम्हें पता है ना हमारे माँ पापा का खूनी यही है, हमें उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा। क्या पता इसे मेरे और शेखर का रिश्ता भी ठीक हो जाए। नंदिनी करना तो हम भी यही चाहते हैं, लेकिन शायद ये सही समय नहीं है। हम बड़े पापा को पुलिस के हवाले जरूर करेंगे, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। पर नहीं नंदिनी, सबसे पहले हमें उनका पर्दाफाश करना होगा कि वो मानसिक रोगी नहीं है। अगली बार से ये सब मत करना। हमें कुछ भी करके बड़े पापा की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी।